दोस्तों काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर ये वीडियो आ रही है और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप ग्रेड के जो रेशियो होते हैं कंक्रीट ग्रेड जो M25, M50 या M20 इनके जो ग्रेड के रेशियो होते हैं वो रेशियो आप बिल्कुल ये वीडियो देख के याद रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको ये ग्रेड के रेशियो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको वीडियो देख के याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो इस चैनल पर मैं सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर कि क्या ये ट्रिक है जिससे आप ये कंक्रीट के जो ग्रेड होते हैं M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 ये जो ग्रेड हैं इनके जो रेशियो होते हैं वो किस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो पहले ये मैं मिटा देता हूँ जो मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं और इनको कैसे याद रखते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल ये टेबल बना के बता दूंगा और फिर ये टेबल आपने एक बार बनाना सीख ली तो आपको ज़िंदगी भर जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं कि इनमें कितने क्या रेशियो होते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पे हमें पता है कि मोस्टली जो है 6 प्रकार के ग्रेड होते हैं, M5 से स्टार्ट होता है M25 तक जाता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यही ग्रेड यूज होते हैं, ठीक है। ये आपने सुना होगा M5, M15, M20, 25 ये तो बहुत सुना होगा, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि M25 का रेशियो क्या होता है तो आप भूल जाते हैं, ठीक है। आप क्या, मैं भी भूल जाता था, फिर मुझे ये ट्रिक का पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक टेबल में इस तरह से लिख लीजिए M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25, 6 ये ग्रेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए कि ये पहला सीमेंट लिख लीजिए, फिर सैंड लिख लीजिए और फिर एग्रीगेट लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लिया, अब याद रखिए कि इन सारे ग्रेडों में एक एक पार्ट सीमेंट का होता है, तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये 6 हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो सैंड का पार्ट होता है उसको अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक के सामने एक लिख दिया, ठीक है, यहाँ से एक से स्टार्ट करते हैं, एक के सामने एक लिख दिया, और जो सेकंड आया सेकंड लास्ट तो उसके सामने 1.5 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। देखिए कितना सिंपल है, अपन ने नीचे से स्टार्ट किया, बस यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ 1.5 आएगा, फिर कंटिन्यू 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एग्रीगेट में अपन को क्या याद रखना है कि एग्रीगेट को हमेशा सेंड के पार्ट से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ पे 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये 1.5 × 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रेशियो निकल के आ गए, इतने सिंपल थे। तो यहाँ पे कोई भी आपसे पूछेगा आपको ये टेबल याद होगी या फिर आप तुरंत बना लेंगे, तो M20 मान लो किसी ने पूछा तो सीधा आप बता देंगे 1.5, 3 इसका रेशियो होता है, M25 का 1.1, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि ये जो M यहाँ पे लिखते हैं ये क्या होता है, M का मतलब क्या होता है। कभी कभी की साइट पे कोई सीनियर पर्सन आ जाता है, कोई अधिकारी चेक करने के लिए आ जाते हैं तो उनको क्या बताते हैं, तो ये M का मतलब होता है मिक्स कंक्रीट, ठीक है। और यहाँ पे ये 25 लगा है या 20 लगा है या 15 लगा है तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 डेज की। जब भी ये कंक्रीट का टेस्ट किया जाता है तो एक क्यूब बनाया जाता है और उस क्यूब को जब टेस्ट किया जाता है तो ये 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उस क्यूब की। अगर ये M5 जो है ग्रेड का है कंक्रीट तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 होती है, ऐसे ही इसका 7.5 होता है, ऐसे इसका 10 होता है, इसका 15, इसका 20, उसका 25, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी ट्रिक थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो आए, लगातार आपको नॉलेज मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।